जब जब टीवी सीरियल बदनी का नाम लिया जाता है तब तब साथ में एक्ट्रेस आसिया काजी का भी नाम सबकी जुबान पर आ जाता है, जिन्होंने इस शो के अंदर संतू का किरदार निभाया जो धर्मराज की पत्नी थी जिसे उसने खरीदा था। और उसी शांत और समझदार स्वभाव की संतू का किरदार इन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से पर्दे पर पेश किया कि आज भी दर्शक इन्हें इस किरदार के जरिए याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप संतू का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री आसिया के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप यकीन करेंगे इनके रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानकर कि ये किस परिवार से आती हैं, इनके परिवार में कौन कौन है, वो सब क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं। अगर आप इनके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं तो बस बने रहें वीडियो के एंड तक, और साथ ही इनके लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सीरियल बदनी में संतू का किरदार निभाने वाली आसिया काजी मुंबई की ही एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनके परिवार में कुल मिलाकर चार लोग हैं, जिनमें ये इनके पापा मम्मी और एक बड़ा भाई शामिल है। बात करते हैं इनके पिता के, जिनका नाम है लियाकत काजी, जिनकी उम्र वर्तमान में 57 साल है, पर वो आज भी यंग दिखते हैं। बता दें इनके पापा पेशे से एक सिविल इंजीनियर हैं। वहीं बात करें इनकी मम्मी की, तो इनकी मम्मी का नाम है कमरू निसा काजी, जो वर्तमान में 50 साल की हैं और बतौर हाउसवाइफ घर संभालती हैं। माता पिता के बाद बात करते हैं इनके भाई के, जिनका नाम है तौफीक काजी, जिनकी कम ही तस्वीरें इंटरनेट पर हैं। इनके 35 साल के भाई पेशे से बैंकर हैं और साथ ही शादीशुदा भी, वहीं वो दो बच्चों के पिता भी हैं। परिवार के बाद बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी की, तो आपको बता दें इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, पर ये इन दिनों किसी को डेट कर रही हैं, जिनका नाम है गुलशन नैन। अगर बात करें इन दोनों की लव स्टोरी की, तो दोनों की पहली मुलाकात साल 2014 में बॉक्स क्रिकेट लीग के दौरान हुई, जहां दोनों पहले ही नजर में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे, जिसके बाद दोनों की बातें हुई, दोस्ती हुई और कुछ दिनों बाद ही दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया और एक दूसरे को डेट करने लगे। बता दें आज दोनों को डेट करते हुए 6 साल हो गए हैं और इन बीते सालों में दोनों का प्यार और गहरा हो गया है, इतना कि अब दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। वहीं दोनों के परिवार वालों को भी इन दोनों के रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं, इसीलिए उनकी रजामंदी के साथ आने वाले महीनों में ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुलशन से पहले ये टीवी निर्माता शाकिब सैयद के साथ भी लव रिलेशन में थी, पर दोनों जल्द ही अलग हो गए। बताते चलें कि गुलशन नैन पेशे से एक्टर हैं, जिन्होंने ओनली फॉर सिंगल और फिक्सर जैसे शोज में काम किया है। वहीं वो इन दिनों शौर्य और अनोखी की कहानी सीरियल में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको आसिया की इस प्यारी सी फैमिली का कौन सा सदस्य सबसे ज्यादा पसंद आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़े और भी सितारों के परिवार के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।